गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट, इट इज योर फर्स्ट पीरियड। आई विल टीच एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 16। आज मैं एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 16 कराने जा रहा हूँ। तो सभी भैया बहन अपनी कॉपी निकालेंगे, कॉपी में आज की डेट डाल देंगे और क्लास वर्क डाल देंगे। एक्सरसाइज 13.8 ब्लैक पेन से अपनी कॉपी पर डाल देंगे, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। फोर चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन शेयर, SHARE शेयर रुपीज 335.50 इक्वली is
इज 337.50 फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन दो टेक्स्ट बुक्स की कॉस्ट दी गई है और वन बुक की कॉस्ट निकाली है, ज्यादा कर दिया है एक तरीका है, इसके लिए हमको डिवाइड करना होगा 6 से 337.50 को डिवाइड कर देंगे। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे 30 में, तो 6 बन जाए 6, 6 2 जाए 12, 6 3 जाए 18, 6 4 जाए 24, 6 5 जाए 30, 5 टाइम्स गया 30 आ गया, 3 में 0 को माइनस किया 3 आया, 3 में 3 को माइनस किया कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 7 आ गया। अब फिर 6 का टेबल पढ़ेंगे 37 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 6 36 6 टाइम्स मिल गया 36 आ गया, 7 में 6 को माइनस किया 1 आ गया, 3 में 3 को 0 हो गया। अब ये 5 बता देंगे तो उसके पहले यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 6 का टेबल 15 में पढ़ेंगे 6 1 6 6 2 12 6 3 18 ज्यादा हो गया 18, तो 3 2 बार पढ़ेंगे 6 2 12 3 बचा 5 2 गया तो और ये 0 यहाँ पर कर गया। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे 30 में, तो 6 5 30 तो एक बुक की कॉस्ट क्या हो गई, एक बुक की कॉस्ट हो गई 56 रुपी और 25 पैसे, बात समझ गए, कर लीजिए इसको जल्दी से। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन होमवर्क है, अगला क्वेश्चन होमवर्क लिख लीजिए SW। ठीक, ध्यान रहे, गलतियां नहीं करेंगे। थैंक यू।